बच्चों, मैं आपका हिंदी टीचर अतुल द्विवेदी आपकी पाठ्यपुस्तक के पाठ 8 समास के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न व उनके उत्तर आपके लिए लेकर आया हूं। तो आइए प्रश्न और उनके उत्तर देखें। पहला प्रश्न है, समास किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। उत्तर है, दो या दो से अधिक शब्दों को संक्षिप्त करने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। जैसे यथा शक्ति, इसका विग्रह होगा शक्ति के अनुसार। दूसरा प्रश्न है, समस्त पद और समास विग्रह के दो उदाहरण दीजिए। उत्तर है, समस्त पद परलोकगामी और उसका विग्रह होगा परलोक को जाने वाला। वही दूसरा समस्त पद है, पूजा घर, पूजा के लिए घर, इसका समास विग्रह होगा। तीसरा प्रश्न है, समास के कितने भेद हैं, उनके नाम लिखिए। तो उत्तर है, समास के 4 भेद हैं, अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित समस्त पदों का संबंध किस समास से है, उस समास का नाम लिखिए। क है रसोई घर, इसका तात्पर्य है कि रसोई के लिए घर, अतः यहां तत्पुरुष समास होगा। ख है आजन, यहां अव्ययी भाव समास होगा। ग है धर्म भ्रष्ट, यहां तत्पुरुष समास होगा। घ है दिन रात, यहां द्वंद्व समास होगा। ग है दशमुख, यहां बहुव्रीहि समास होगा। च है कर कमल, यहां कर्मधारय समास होगा। पांचवा प्रश्न है, निम्नलिखित समस्त पदों में से द्वंद्व समास के उदाहरण खोजिए और सही का निशान लगाइए। पहला है, क मृगनयनी, ख भाई बहन, ग ग्रामवासी, घ एक दंत। इसमें द्वंद्व समास होगा ख भाई बहन, क्योंकि द्वंद्व समास में प्रथम पद और द्वितीय पद दोनों समान हो, इसलिए वहां द्वंद्व समास होता है और बीच में योजक का चिन्ह लगा हो तो वो द्वंद्व समास कहलाता है। तो ख भाई बहन सही होगा। दूसरा है, क पंचानन, ख गृह प्रवेश, ग भरपेट, घ सुख दुख। तो इसमें द्वंद्व समास होगा घ सुख दुख। तीसरा है, क सुख चैन, ख चतुर्भुज, ग असत्य, घ कमल नयन। इसमें क सुख चैन द्वंद्व समास होगा। छठवां प्रश्न है, निम्नलिखित समस्त पदों का उपयुक्त विग्रह छांट कर उस पर सही का निशान लगाइए। क है कमल नयन, इसके उत्तर हैं नयन जैसे कमल, कमल जैसे नयन वाला, कमल और नयन, कमल के नयन। तो इसका सही विग्रह होगा कमल जैसे नयन वाला। ख है गंगा यमुना, इसके उत्तर दिए हुए हैं विकल्प में हैं गंगा में यमुना, गंगा और यमुना, गंगा सी यमुना, गंगा यमुना का समूह। तो यहां होगा इसका विकल्प सही होगा गंगा और यमुना। ग है गजानन, इसके विकल्प हैं गज जैसा आनंद, गज जैसे आनंद वाला, गज और आनंद, गज भर आनंद।
तो इसका विकल्प सही होगा गज जैसे आनन वाला। सातवां प्रश्न है, समस्त पदों का विग्रह करके समास का नाम लिखिए। समस्त पद, विग्रह और समास का नाम, तो क है यथा शक्ति, इसका विग्रह होगा शक्ति के अनुसार। समास का नाम है अव्ययी भाव। ख है चिकित्सा गृह, चिकित्सा के लिए घर, यह इसका विग्रह होगा और समास होगा तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास इसलिए होगा क्योंकि चिकित्सा गृह में दूसरा पद गृह प्रधान है, समास के बीच में विभक्ति का लोप हो गया है, इसलिए विग्रह होने पे समास की विभक्ति सामने आई है। चिकित्सा के लिए गृह, अतः यहां तत्पुरुष समास होगा। गृह है राज महल, इसका विग्रह होगा राजा का महल या राजा के लिए महल, इसका समास होगा यह तत्पुरुष समास। यह तत्पुरुष समास इसलिए हुआ क्योंकि इसका भी दूसरा पद प्रधान है और बीच में विभक्ति का लोप है, अतः यह तत्पुरुष समास होगा। अगला घ है माखन चोर, इसका समास विग्रह होगा माखन को चुराने वाला, इसमें भी तत्पुरुष समास होगा। इसमें बहुव्रीही समास भी हो सकता है क्योंकि माखन को चुराने वाला अर्थात भगवान कृष्ण को भी हम माखन चोर के नाम से जानते हैं, अतः यहाँ पे बहुव्रीही समास भी हो सकता है, लेकिन आपको एक ही समास का नाम लिखना है, अतः यहाँ पे तत्पुरुष समास है। तत्पुरुष समास इसलिए है क्योंकि इसमें भी दूसरा पद प्रधान है और विभक्ति का लोप है। बच्चों, आपके पाठ 8 समास से संबंधित सभी प्रश्न और उनके उत्तर आपके सामने आ गए हैं। आप इसे अपने नोट्स में लिखने का प्रयास कीजिएगा और कंठस्थ करने का भी प्रयास कीजिएगा। अगले वीडियो में हम पाठ 9 संज्ञा पे चर्चा करेंगे। धन्यवाद।